बरेली मुरादाबाद मंडल की ग्रेजुएट सीट से एमएलसी बनने के लिए अगले निर्वाचन हेतु मतदाता सूची तैयार की जा रही है। मैं यहाँ पर आपको ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि अब की जो मतदाता सूची बनाई जा रही है वो पुरानी सभी सूची को निरस्त करते हुए नए सिरे से बनाई जा रही है, एकदम नए सिरे से तैयार की जा रही है मतदाता सूची। इसलिए ऐसे पुराने सभी ग्रेजुएट मतदाता जिनका कि नाम पुरानी मतदाता सूची में रहा है और उन्होंने हो सकता है उसके अनुसार मत भी दिया हो, उन्हें भी नए सिरे से इस मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 18 में आवेदन पत्र भरकर देना होगा। जहाँ तक एलिजिबिलिटी की बात है, ये एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया 1 नवंबर से पहले 3 वर्ष पहले जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। 1 नवंबर 2013 या उससे पहले के ग्रेजुएट वो सभी इस मतदाता सूची के लिए एलिजिबल होंगे। ये निर्वाचन क्षेत्र बरेली और मुरादाबाद मंडल का है जिसके अंतर्गत बरेली डिवीज़न और मुरादाबाद डिवीज़न के सभी ज़िले जिसमें जनपद अमरोहा भी सम्मिलित है आता है। अतः जनपद अमरोहा के ऐसे वो सभी ग्रेजुएट अर्हताधारी मतदाता जिन्होंने 1 नवंबर 2013 से पूर्व मतदाता का अख्तियार पा लिया है उन्हें फॉर्म 18 पर आवेदन पत्र देना होगा। याद रहे यह आवेदन पत्र देने की आखिरी तारीख 5 नवंबर है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहूँगा, अपने ग्रेजुएट होने के संबंध में अपनी डिग्री अथवा मार्कशीट अथवा आपके विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट ये देना आवश्यक है। इसके अलावा आपको आपका फोटोग्राफ भी उसके साथ संलग्न करना होगा। ये फॉर्म 18 तहसील पर भी उपलब्ध है, जिले लेवल पर भी उपलब्ध है, इसके अलावा ऑनलाइन भी ये फॉर्म उपलब्ध हैं। इन्हें चाहे तो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन जिस तरह से सुविधा हो उस तरह से भर करके जमा कर दें। क्योंकि ये मतदान या ये ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतदान पहले भी होता रहा है, मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि ये सूची नए सिरे से बन रही है। अतः हर उस मतदाता को जिसको ये भ्रम हो कि उसका नाम तो पहले से सम्मिलित है उसे भी आवेदन करके नए सिरे से मतदाता सूची में अपना नाम अंकित कराना है। आपका नाम तभी अंकित हो पाएगा जब आप इसके लिए फॉर्म 18 में निर्धारित तिथि 5 नवंबर 2016 तक अपना आवेदन पत्र संबंधित तहसीलदार के पास, संबंधित बीडीओ के पास या संबंधित ईओ के पास, नगरपालिका क्षेत्र में ईओ के पास जमा कर देंगे। जनपद अमरोहा के जो हमारे ग्रेजुएट लोग हैं और जिन्होंने नवंबर 2013 में ग्रेजुएशन कर लिया है या ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट डिग्री हासिल कर ली है, जैसे वो बीटेक हों या एमटेक हों या एमबीबीएस हों, ऐसे सभी नवयुवकों से मेरी अपील है कि एमएलसी ग्रेजुएट सीट का शीघ्र ही चुनाव होने जा रहा है और इसमें मतदाता सूची नए सिरे से तैयार हो रही है, इसलिए हमारी ऐसे मतदाताओं से अनुरोध है, अपील है कि वे अपना फॉर्म 18 भर करके इस मतदाता सूची में मतदाता होने के लिए अपना नाम दर्ज कराएं
ये फॉर्म आपको आपकी जो टाउन एरिया है, नगर पालिका है, या आपके विकास खंड है, या जो आपकी तहसील है वहाँ पर प्राप्त हो रहा है। आप इसके लिए या तो अपने अधिशासी अधिकारी से या विकास खंड अधिकारी से या SDM या तहसीलदार से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको एक अच्छा अवसर है, क्योंकि यह कार्य 5 नवंबर तक ही पूर्ण होना है। जो 5 नवंबर तक ये फॉर्म अगर भर देंगे तो आप मतदाता बन जाएंगे। इसके लिए आपको अपने जो मार्कशीट है या TC है ग्रेजुएशन की, उसको दाखिल करना है, साथ ही आपको फोटो भी चस्पा करना है। एक बार पुनः आप सभी से मेरी यही अपील है, आप MLC ग्रेजुएट सीट के लिए मतदाता सूची के भागीदार बने, अपना फॉर्म भर दें और आप मतदाता बन जाएं। जो फोटो आप दर्ज कराएं, जो फोटो आप दें उस कलर्ड फोटो लगाएं। फॉर्म 18 में जो आपका फोटो लगेगा वह रंगीन फोटो लगेगा। यही आप सभी से मेरी अपील है।